को ये स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए पंकज गढ़वाली। It's good to see Mama ji over here and his name got called out of this whole crowd. नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा, हम गए थे गढ़ कौथिक मेला 2023 में और वहां बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, बहुत सारी दुकानें लगी थी और सबसे मेन चीज़ वहां पे स्पोर्ट्स वगैरह हो रहे थे जो कि और कहीं मेले में खास दिन के लिए मिलते नहीं है। तो आज आने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट वहाँ पर मुख्य अतिथि, तो मैं जाऊँगा उनको स्पेशली ये गिफ्ट देने के लिए जो कि आप ये देख सकते हैं मेरे सामने, जो कि है केदारनाथ टेम्पल। और जैसे कि आपको पता होगा, आपने अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियोस में देखा होगा कि मैं यूट्यूब के साथ साथ में एक आर्टिस्ट भी हूँ जो बैम्बू के डिफरेंट प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ और उनको सेल वगैरह भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर देखिएगा, मैं उसे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह डालते रहता हूँ। तो आप भी अगर कुछ मंगाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे मैसेज कीजिएगा। तो आप बनी रहेगा वीडियो में आखिर तक, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और आज जो भी कलाकार वहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे हम उन लोगों का भी इंटरव्यू वगैरह लेंगे और उनको पूछेंगे कि उनको किस किस प्रकार से आज का मेला लग रहा है। तो बस रेडी होते हैं और थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि अभी हो रहा है बहुत तेज़ धूप है अभी, और जब सनसेट हो जाता है उसके बाद वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो वो प्रोग्राम लगभग 11-12 बजे तक चलते हैं और जैसे ही वहाँ पर मुख्य अतिथि आएंगे तो मैं दूंगा उनको गिफ्ट। तो बस रेडी होते हैं और चलते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मेला भी दिखाएंगे और जो भी स्पेशल होगा वो आपको दिखाया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं मेले में और यह है हमारा मंदिर जो कि अभी डिनर है हमने हमारे स्पेशल गेस्ट को, और आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है आज, कल से भी तिगुनी भीड़ है। और अभी आने वाला है अमन, उसके बाद चलेंगे हम अंदर। आप देख सकते हैं कि लाइटिंग वगैरह जो है जल चुकी है और फटाफट से चलते हैं और ये मंदिर देते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं मेले में और अभी थोड़ी देर में मैं जाने वाला हूँ स्टेज में। तो ये देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, अभी थोड़ी देर में पहुंच चुका हूँ स्टेज में। अंकित रावत जी, विकास रावत जी, कृपया आप हमारे जी, आपका भी सहयोग रहा है, आप भी मंच पे आने का कष्ट करेंगे। श्री रूपचंद असवाल जी, उत्तराखंड हार्डवेयर स्टोर रतनपुर निवासी, आप भी, आपका भी स्वागत है मंच पे आने का कष्ट करेंगे। श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी के प्राइड मॉल कड़ियाल चौक कोटद्वार, यदि आप भी मौजूद है आपका भी सहयोग रहा है, आप भी मंच पे आने का कष्ट करेंगे। मान्य दलीप रावत जी, मान्य विधायक लहसुन रतनपुर निवासी, एक उनके द्वारा बैम्बो से बनाया गया एक केदारनाथ की आकृति है जो कि उनकी स्वयं की रचना है, स्वयं का निर्माण है और ये इस प्रकार के कलाकृतियों में बहुत माहिर हैं और ये हमारे सतीश भाई के, सतीश चंद जी के बेटे हैं, तो ये बहुत पारंगत है इस कला में। तो आपको ये स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए पंकज गढ़वाली, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज गढ़वाली जी को भी हमारी शुभकामनाएं कि आप इस क्षेत्र में खूब अपना नाम कमाएं, रोशन राम अपना नाम रोशन करें। और अब मैं पार्षद अनिल रावत जी से अनुरोध करना चाहूंगा, आप समिति की ओर से, संस्था की ओर से माननीय फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले गया था मैं स्टेज में और मैं दे के आया गिफ्ट नेगी जी को। तो अब तब तक दीदी भी यहाँ पे पहुँच गई थी तो दीदी से लेते रिएक्शन। तो दीदी सबसे पहले बताइए, स्टेज में मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तेरे कोई रिएक्शन है? फीलिंग गुड कल लग दी है बस। और अब बारी हमारे यार दोस्तों के यहाँ पे लौंडो। हाँ भाई, राम राम जी सबको। स्टेज में नेगी जी को जी कैसा लगा फिर? हमें तो बहुत बड़ा लगा, हमारे साथ का लौंडा स्टेज में गया और नेगी जी को बहुत बड़ा तोहफा दिया उन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ स्पेशल, तो हमें तो बहुत खुशी है। और अब पूछते हैं शिवराज से। भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पर हम कह रहे हैं इसको, मैं कब से कह रहा हूँ कि वहाँ चलो उस वाले झूले में चले जाए, जाने दे, तो इसको इसकी हाइट देख के इसको भेज भी देंगे। अब पूछेंगे गुड़िया को, तो गुड़िया जैसे कि आपने देखा कि आपके मामा जी के स्टेज पे और गिफ्ट दिया, इट्स वेरी नाइस टू सी मामा जी गेटिंग द प्रेजेस फ्रॉम मेयर एंड
आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई अंकल. इट्स गुड टू सी मामा जी ओवर हियर एंड हिज नेम गॉट कॉल्ड आउट ऑफ दिस होल क्राउड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ मामा जी बिकॉज ही डिड सो मच इन हिज लाइफ एंड नाउ वी ऑल्सो मेट आवर होल फैमिली ओवर हियर एंड आई एम प्राउड ऑफ मामा जी. So, thank you so much. Thank you so much, Mama. Time. Welcome. अब मम्मी भी आ चुकी है तो मम्मी बताएगी कि जब मिक्सर मुझे देखने लगा बहुत सुंदर अच्छा. दोस्तों हम लोग मिल चुके हैं एक कीर्तन मंडली से, न्यू कीर्तन मंडली शिव मंदिर. तो अब आप लोग बताइए आपको ये गढ़ कोटिंग मेला में कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है प्रोग्राम. कीर्तन में न्यू कीर्तन मंडली शिव मंदिर. हाँ है जी. हम हमारा है गाड़ू गुलो बंदा गाड़ू गोल बंदा में है जी. 2500 नंबर है हमारा 2500. और कुछ कहना चाहोगे गढ़कोटी मेला के बारे में? गढ़कोटी मेला हमको बहुत अच्छा लग रहा है. हम चाहे हर साल लगे बहुत बढ़िया हो रहा है प्रोग्राम, मनोरंजन अच्छा हो रहा है. ऐसे हमेशा होते रहे है ना. लो और सर और हमारे साथ में अब अगले कॉन्टेस्ट हैं. तुम्हारे कीर्तन मंडली नाम क्या था? शिवालय कीर्तन मंडली. और तुम्हारे क्या प्रोग्राम का नाम है? हम लोग करना गाँव लगानी है, गाँव भर लगानी है गाँव. कि चल प्यारी सुषमा घर जायू ना और घर की उजड़ी कूड़ियों था देखू. अच्छा 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 बहुत सुंदर. अरे मैं लोग काम करना था तुम? ये मसास बुआरी और लड़ी बुआर सर चार गाय. बहुत सुंदर बहुत सुंदर. और चल गई ना और बूढ़ बूढ़े से घर बीमार हुए अल्लाड़ी को नहीं देखना थी और तो वहाँ भर ये गाँव लगे हमारो अतः वो था गाना छो. बहुत सुंदर बहुत सुंदर. वो घर वो नहीं फट हुएगा वक्त चल गई दिए और लौट भी नहीं आनो बैर तो उदा चाहिए पर लौट भी नहीं हुई. बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत अच्छो बहुत अच्छो. अगले जो कॉन्टेस्ट है उनका नाम है लक्ष्मी कीर्तन मंडली, जिसके अध्यक्ष हैं श्री पूनम नेगी जी. और इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है, कल भी ये देर तक थे इंतज़ार में. आपने कीर्तन मंडली का नाम क्या? लक्ष्मी कीर्तन मंडली. और कब बढ़ ना सब तैयारी? हमारे 2 हफ्ता बटे. और ये महापल के कॉन्टेस्ट करण के बनाना सौ माँ हमारे डांस गाजीना. बहुत सुंदर 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 बहुत अच्छा बहुत सुंदर. तो फाइनली दोस्तों अब मेला वगैरह तो सब हो गया है ख़त्म, अब चलते हैं वापसी के लिए. वैसे ख़त्म तो नहीं हुआ है क्योंकि परफॉर्मेंस है अभी 8-10 और, लेकिन कितनी देर तक हम करेंगे क्या. जो था जितना था हमने रिकॉर्ड कर लिया और जो मेन काम था वो भी हमने कर लिया. तो फाइनली दोस्तों मेले से पहुंच चुके हैं सीधे घर पे और आप जैसे कि सुन सकते हैं कि अभी भी वहां कुछ ना कुछ हो रहा है, आवाजें आ ही रही है मेले में से. तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जरूर से पसंद आया होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी देखने के लिए. हमने थोड़ा बहुत लोगों को भी पूछा कि उनको कैसा लग रहा है और मैंने मेन मंत्री जी को केदारनाथ मंदिर दिया और वहाँ की शॉप्स वगैरह जो भी थी वो मैंने आज आपको दिखाई. तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जरूर से पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा. तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड बाय बाय.